जिस तरह से देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा की जा रही है, उसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिल्ली के राजघाट पर एक सत्याग्रह किया जा रहा है। क्योंकि देश में जब भी कोई अडानी से सवाल करेगा, प्रधानमंत्री से सवाल करेगा, तो उसको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लगातार विपक्ष को दबाया जा रहा है। नतीजन आज कांग्रेस पार्टी राजघाट पर आई है और सत्याग्रह का रास्ता अपना रही है। बताइए कहां से आए हैं आप लोग और जो भारी संख्या में यहां पे तमाम जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, कांग्रेस के समर्थक इकट्ठा हुए हैं, वो आज इस सत्याग्रह पर क्या कहना चाहेंगे? हम सब लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और अधिकतर सारे लोग पदाधिकारी हैं और शॉर्ट नोटिस पे लोग आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि सबको यह महसूस हो रहा है कि इस समय डेमोक्रेसी पे कब्जा करने की कोशिश, उसको टेक ओवर करने की कोशिश तमाम इंस्टीट्यूशंस के बाद अब पार्लियामेंट में जो अपोजिशन के लोग हैं उनको किस तरह हम चुप करा दें, एक तरह से हाईजेक कैसे कर लें हम डेमोक्रेसी को, इसकी कोशिश चल रही है। और इसलिए आप देखेंगे कि समय मुसलमानों का त्यौहार चल रहा है, हिंदुओं में भी नवरात्र चल रहे हैं, बावजूद इसके लोग फास्टिंग पे हैं, बावजूद इसके यहाँ पे लोग आए हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सिर्फ राहुल गांधी पे हमला नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी पे हमला नहीं है, ये बेसिकली लोकतंत्र पे हमला है। और इसीलिए आप देखेंगे कि पार्टी के अक्रॉस जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, उनका भी बहुत बड़ा समर्थन हमको मिल रहा है। ये देश में इस समय एक अभूतपूर्व संकट को दिखाता है, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। बहुत सारी सरकारों ने गलत नीतियां बनाई, लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र पे कब्जा करने की कोशिश है, टेक ओवर करने की कोशिश है, पहली बार ये हुआ। मुझे लगता है कि इस अभूतपूर्व लड़ाई के लिए भी जनता तैयार है, लोगों में ये बात चल रही है कि चाहे जितना दिन भी आंदोलन चलेगा हम इसको चलाएंगे। लगातार जब भी आप अडानी जी से सवाल कर रहे हो, चाहे मोदी जी से सवाल करें, तो दबा दिया जाता है, तमाम तरह के हथकंडे जो है सरकार के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। अभी जिस तरह से राहुल गांधी जी को, जिस तरह से आपने देखा हो, पहले सूरत कोर्ट से सजा दी गई, उसके बाद में जो है इस पूरे मामले को लेकर जो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उसके बाद में कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये राहुल गांधी का अहंकार था, इस पे आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी का अहंकार नहीं, ये तो मोदी जी का अहंकार है। और मोदी जी ने जो है राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करवा करके ये सिद्ध कर दिया है कि उनका अडानी से बहुत ही गहरा संबंध है और अडानी के भ्रष्टाचार से बहुत गहरा संबंध है। जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है अडानी और मोदी मिलकर कर रहे हैं, इसलिए कि शेल कंपनियां बनाने वाला अडानी है, अडानी को संरक्षण देने वाला मोदी है। इसका मतलब यह कि ये दोनों मिलकर के देश को जो है एकदम खोखला करना चाहते हैं और पूरे देश के खजाने पे कब्जा करना चाहते हैं। मोदी जी को ये समझ में आ गया है, किसी ने समझा दिया है कि अमेरिका में जो लोग कैपिटलिस्ट है, जो लोग पैसे वाले, वही लोग सत्ता में रहते हैं। इसीलिए मोदी जी पहले चाह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से खजाने पे कब्जा कर लूँ, फिर उसके बाद जो है देश की सत्ता तो मेरे अपने हाथ में अपने आप आ जाएगी। इसलिए लोग किसी भी तरह से जो है पूरे दौलत को, पूरे खजाने को, देश की खजाने पर कब्जा कर रहे हैं भ्रष्टाचार के जरिए। और ऐसे चाहे जैसे भी, मतलब इनकी एक एक दस्तखत से अडानी को हजारों हजार लाखों हजार करोड़ का फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? सिर्फ एक ही आदमी को फायदा कराया जा रहा है, इसलिए कि उनको मालूम है कि ये खजाना मेरा है, ये खजाना मेरे पास रहेगा, इससे मैं विधायक खरीद सकता हूँ, इससे मैं एमपी खरीद सकता हूँ, इससे मैं विपक्षी सरकारें गिरा सकता हूँ। इस तरह से ये दोनों मिलकर के देश को जो है एकदम गर्त में डाल रहे हैं। इस तरह इतना भ्रष्टाचारी, इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री आज तक न हुआ है न होगा। बेशर्मी के साथ भ्रष्टाचार करने वाला ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये पूरी तरह चोरकट है, चोरकट है। बहुत बड़े बड़े दावे करके आए थे, कह रहे थे लोकतंत्र की रक्षा करेंगे हम, लेकिन अब खुद ही तानाशाही पर उतर आए हैं। जो सवाल पूछेगा उसको जेल में डाला जाएगा, जो जो है अडानी पे सवाल करेगा उस पे जवाब नहीं दिया जाएगा। जब राहुल गांधी जी ये सवाल करते कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, इसका जवाब इनके पास नहीं मिलता है। 20,000 ही नहीं है, मेहुल चौकसी वहाँ जाके बैठा हुआ, विदेश में जाके बैठा हुआ, हवाले से पैसा भेजता है और ये विधायक खरीदते हैं। हवाले से पैसा भेजता है तुम्हारा, ये दूसरा क्या नाम है, ललित मोदी भेजता है, ये एमपी खरीदते हैं, हवाले से पैसा भेजा जाता है, ये पूरे हवाले बात है। ये सब हवाले से पैसा मंगा करके विपक्ष की सरकारें गिरा रहे हैं। ये इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री, इतना छुट्टा प्रधानमंत्री इस देश का नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी ये अपने सत्ता छोड़ दे या जनता इसको सत्ता से हटा दे, उतना ही देश के लिए अच्छा होगा। वरना ये देश
पूरी तरह से खोखला हो जाएगा, दो चार लोगों के हाथों में आ जाएगा। और खुद अडानी जी के सैलरी पे काम करते हो, अगर जांच हो तो ये भी खुल के आ जाएगा, पेड वर्कर है, नौकरी कर रहा हूँ। और देखिए एक शब्द है बनाना रिपब्लिक, उससे भी लोग तुलना कर रहे हैं, विदेशी मीडिया भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय जो सिस्टम है इस समय हमारा, उसको मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बनाना नेशंस के साथ आपकी तुलना की जाए, ये मतलब ओवरऑल पतन है सब। अच्छा ये बताइए, एक समय था जब अंग्रेज देश में राज करते थे तब गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, आज फिर से वो नौबत देश में आन पड़ी है कि दोबारा से सत्याग्रह करने की जो है जरूरत पड़ रही है। कुछ लोगों के हाथों में अब सत्ता, ऐसे लोगों के हाथों काले अंग्रेज कर रहे हैं, काले अंग्रेज, ये काले अंग्रेज जो जिनके हाथों में सत्ता चली गई है, इसलिए देश को आजाद कराना अब बहुत इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन गई, वरना ये देश जो है कहां जाएगा, किन लोगों के हाथ में जाएगा। अब ये देख लीजिए कि 20,000 करोड़ रुपया जो है विदेशों के हवाले के जरिए आ रहा है, वो जो सेल कंपनियां हैं उनमें चाइनीज लोगों का भी जो है शेयर है, उन चाइनीज का भी पैसा लगा हुआ है, और न जाने किन किन लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो जो लोग पैसा दे रहे हैं मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं, और जो है देश को जो है अपने अपने गर्त में ले जा रहे हैं। इस तरह से अगर देश की जनता नहीं चाहती, मोदी जी ईमानदार है, जो पैसा दिया तो उनके लिए काम। हाँ क्या कहेंगे आप, मोदी जी को जो पैसा दे रहा है चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपति हों, उनके लिए सरकार काम कर रही है। अभी कुछ समय पहले हमने इन लोगों के मुंह से ये सुना था कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, ये दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से डर गए हैं, राहुल गांधी से डर गए हैं, इसी के तहत इन्होंने ये कार्रवाई इनके ऊपर। मोदी जी बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, संसद में कहते थे एक अकेला सब पर भारी, लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया कि वो खुद, उनकी जो पूरी ट्रोल आर्मी है, जो पूरी पार्टी है, वो एक अकेले राहुल गांधी जी के पीछे पड़ गई है। आपके सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया कि उनकी आर्मी, उनके साथ ईडी है, सीबीआई है, सैकड़ों सरकारी संस्थाएं जिनका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, वो अकेले कहाँ हैं? अकेले तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी के साथ देश का युवा है, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता है, और आखिरी दम तक साथ में रहेंगे। आज आप लोग सत्याग्रह करने के लिए भी यहाँ पर आ गए हैं, धारा 144 पुलिस ने लगा दी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कोई राजघाट आ रहा है उसको आने से रोका जा रहा है, पुलिस परमिशन नहीं दे रही है। इसलिए तो मैंने कहा मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। हाँ बोलिए। गांधी जी को तो पसंद करते हैं, चाहते हैं कि लोग गांधी जी की समाधि पे आए, अगर इन गोडसे का रहता तो चाहे कोरोना हो चाहे जो सब कुछ छूट रहता है तो हमको इस संदर्भ में भी चीजों को ठीक है। अभी एक और बयानबाजी, जिस तरह से अभी सुना होगा आपने, बीजेपी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान किया है, इस पर जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? नड्डा जी ने जो ओबीसी का नाम लिया है, कहीं न कहीं सदन में सवाल जो क्यों है, मोदी क्यों, ये सवाल क्या था? एक चीज आप देखिए, हो सकता है ओबीसी सवाल यही था। हाँ लेकिन इसी सवाल से तो डर गए ना मोदी जी? जरूर डर रहे हैं, यही तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि सदन में पहली बार ऐसा हुआ, सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दिया, राहुल जी के वक्तव्य को सुनने को तैयार नहीं हुए। अब पहली बार ऐसा हुआ आजादी के बाद देश में कि हमारा सांसद नियुक्त किया गया, सारे विपक्ष के लोगों की आवाजों को दबाया गया, ये पहली बार इतिहास में हुआ है। मैं जोर से कहना चाहूंगा, जब जब मोदी डरता है तो वो पुलिस को आगे करता है, और साथ साथ हाँ बोलने दीजिए, बोलिए आप। साथ जो है मोदी की, हम उनसे ये कहना चाहते हैं जो बार बार वो विपक्ष के नेताओं पर ईडी भेज रहे हैं, सीबीआई भेज रहे हैं, और आप ये इनकम टैक्स ऑफिसर को भेज रहे हैं, मेहुल चौकसी पे पैरवी क्यों नहीं किया, एक बहुत बड़ा सवाल है। अब मेहुल देश में खुलेआम घूमेगा, क्यों घूमेगा? वो फंडिंग कर रहा है, नीरव हो चाहे वो विजय माल्या हो चाहे ललित मोदी हो, सारे लोगों का नाम तो मोदी है। क्या सवाल उन्होंने गलत कहा? गलत तो नहीं कहा उन्होंने, इसे डर कर वो सदन को नहीं चलने दिए, और जवाब ना देना पड़े इसलिए तत्काल उन्होंने मोदी तत्काल ये 4 साल का केस स्टे था उसे चालू करा कर उनको सजा मैक्सिमम 150 साल में। साफ बताए ये मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी और अंबानी जी भी मोदी हैं, अंबानी ही मोदी हैं। जनता इसका किस तरह से जवाब देगी? जनता को समझ में आ गया, आ रहा है जो कल का जो निर्णय हुआ उनका सदस्यता समाप्त किया गया, कहीं न कहीं हमारा सेकुलर समाज
इसको बुरा मान रहा है और आने वाला समय जरूर 2024 में राहुल गांधी जी की आवाज के साथ जनता जुड़कर बीजेपी को जवाब देगी, निश्चित तौर पे जवाब देगी। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए आप? देखिए, मैं मुरादाबाद से हूँ, अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ। आपने एक सवाल करा कि बैकवर्ड के लिए नड्डा जी कह रहे हैं, मेरा इसमें ये कह रहा है कि नड्डा जी खुद एक ब्राह्मण है और अगर उन्हें बैकवर्ड की आज जो है वो सूझ रही है या बैकवर्ड की वो परवाह कर रहे हैं तो नड्डा जी को राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के 5 महीने के तमाम भाषण और तमाम स्पीच सुननी चाहिए। राहुल गांधी जी देश तोड़ने की नहीं, देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी नफरत छोड़ने की बात कर रहे हैं, तमाम समाजों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जो आदमी तमाम समाज को जोड़ने की बात करेगा वो बैकवर्ड या हाई कास्ट की बात नहीं करेगा, बल्कि ये इसे मुद्दा बनाकर जनता में लेकर जाना चाहते हैं। ये बैकवर्ड या हाई कास्ट का मामला नहीं है, बल्कि मामला सिर्फ एक अपने दोस्त अडानी को बचाने का है और इस मामले को डाइवर्ट करने का। तो वही तो सवाल है कि सवाल अडानी जी से किया जा रहा है, मोदी जी परेशान हो जा रहे हैं, लगातार भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने मुद्दा बनाया, उसके बाद में देखिए एक बयान को जो एक तरीके से रैली में दिया गया था, एक राजनीतिक जो है बयान था, उसको किस तरह से कार्रवाई में इसको संलिप्त कर दिया गया? देखिए, बचा कुछ नहीं है। इन लोगों के पास जवाब देने के लिए, इन लोगों के पास जनता को कोई जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है। और जब कुछ बचेगा नहीं, हर मोर्चे पे विफल हो जाएंगे तो फिर इसी तरह के मुद्दे ये लेकर आएंगे और ये सारे मुद्दे जनता समझ चुकी है। जनता जानती है कि जो सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 400 रुपए का मिलता था वो आज 1200 रुपए का मिल रहा है, जो पेट्रोल और डीजल 40 रुपए 50-60 रुपए था आज वो 100 रुपए मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। इन तमाम मुद्दों को जनता का ध्यान हटाने के लिए ये एक मुद्दा लेकर आए हैं और अडानी पर जवाब न देना पड़े, ये न बताना पड़े कि अडानी और मोदी जी के बीच में संबंध क्या है, ये न बताना पड़े कि अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी कितनी बार बैठे हैं, इसलिए ये इन्होंने जो है वो गंदा काम किया है। आप अपने नेता में और मोदी जी में कितना फर्क समझते हैं? राहुल जी कहते हैं कुछ भी हो जाए डरो मत, लगातार सत्य के लिए आवाज उठाते रहो, लेकिन मोदी जी जो खुद कहते 56 इंच का सीना है वो तो डर गए। देखिए, कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल जी सब समाज के नेता है। राहुल जी जात और बरादरी मिला करती थी, 150 रुपए राहुल जी जात और बरादरी की बात नहीं करते हैं। राहुल जी सर्वधर्म की और सारे समाजों की बात करते हैं। और एक तरफ ये दूसरी पार्टी है जिसका आप नाम ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये इस देश को हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाकर हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं, मस्जिद को मंदिर से लड़ाना चाहते हैं, अच्छा खुद में हमारे को सिखों के गुरुद्वारों को चर्चों से लड़ाना चाहते हैं। राहुल गांधी सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये नारा दिया था कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नहीं, खुद तानाशाही सरकार कर रही है लगातार, चाहे राहुल गांधी जी हो या फिर विपक्ष का कोई नेता जो सवाल कर रहा है उसको परेशान किया जा रहा है, लगातार ईडी की जो है रेड पड़ रही है, आरोप राहुल जी पे ये लोग लगाते हैं कि राहुल जी का अहंकार, माफी मांग लेते तो शायद बच जाते। देखिए, माफी मांगेगा क्यों आदमी? अगर माफी मांगेगा तो आदमी डरेगा और राहुल जी ने नारा दिया है कि डरना नहीं है, इसलिए कि राहुल गांधी जी जो सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, राहुल गांधी जी गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, इनका नाम गांधी है और गांधी परिवार के लोग अपने खून से इतिहास लिखते हैं, अपने खून से दास्तान लिखते हैं, माफी नहीं मांगते।